बीते कुछ महीनों से भिलाई में भी मंदिरों में चोरी और तोड़फोड़ की घटनाओं में वृद्धि हुई है, जिसे देखते हुए पुलिस प्रशासन ने भिलाई स्थित सभी छोटे बड़े मंदिरों के संचालन समितियों की बैठक लेकर मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था दुरुस्त करने की दिशा में निर्देश दिए। कुछ दिनों पहले खुर्सीपार स्थित गणेश मंदिर में असामाजिक तत्वों द्वारा तोड़फोड़ की घटना को अंजाम दिया गया था और पूरे देश में भी लगातार ऐसी स्थितियां उत्पन्न होती नजर आ रही हैं, जिसके तहत मंदिरों की सुरक्षा व्यवस्था पर सवालिया निशान लगता नजर आ रहा है। इसे लेकर दुर्ग जिला पुलिस प्रशासन के द्वारा मंदिर समितियों की बैठक लेकर उन्हें मंदिरों की सुरक्षा बढ़ाने एवं अन्य उपाय करने के निर्देश दिए जा रहे हैं। ऐसी एक बैठक स्मृति नगर चौकी भिलाई में चौकी प्रभारी के द्वारा ली गई, जिसमें भिलाई में सभी मंदिरों को संचालित करने वाली समितियों के पदाधिकारियों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और पुलिस प्रशासन द्वारा मंदिरों में होने वाली घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए मंदिरों में रात्रिकालीन गार्ड की व्यवस्था एवं सीसीटीवी कैमरे लगाने पर जोर दिया गया, जिसे मंदिर समितियों के पदाधिकारियों ने सहर्ष स्वीकार भी किया। साथ ही पुलिस प्रशासन से मंदिरों के इर्द गिर्द पुलिसिया गश्त बढ़ाने की मांग रखी गई। मंदिर की सुरक्षा संबंधी आवश्यक निर्देश दिए गए और मंदिरों में चोरी जैसे गंभीर अपराध घटित हो रहे हैं, उसके संदर्भ में मंदिरों परिसर में सीसी फुटेज कैमरा लगाने हेतु एवं मंदिर में रात्रि में एक व्यक्ति जरूर सोए, इस टाइप से निर्देश देगा और आवश्यक सुरक्षा संबंधी निर्देश देगा। मंदिर समितियों की तरफ से कोई मांग रखी गई क्या पुलिस प्रशासन की तरफ से? मंदिर से पेट्रोलिंग की मांग की गई है, उसे अवश्य पूरा किया जाएगा। आज मंदिरों को लेकर के एक मतलब विवेचना के तौर पर साहब ने हमें स्मृति नगर चौकी में बुलाया था। विगत कुछ दिनों से मंदिरों में कुछ अभद्रतापूर्ण व्यवहार हो रहे हैं, किसके द्वारा क्या किए जा रहे हैं, क्या किए जा रहे हैं, ये तो उनके संज्ञान में होगा, लेकिन हाँ उन्होंने एक प्रकार से अवेयरनेस के लिए चेतावनी के तौर पर हमें बुलाया था। कुछ मूलभूत चीज़ें सिक्योरिटी गार्ड रखना, सीसीटीवी कैमरा लगाना, इन सब चीज़ों के बारे में कहा है और सर का जो रिस्पॉन्स था वो बहुत अच्छा है। वो पर्सनल अपना नंबर सारे मंदिर के लोगों से बांटे हैं और उनका कहना है कि कभी भी किसी भी समय मंदिर से लेकर किसी भी प्रकार की आवश्यकता होती है तो तत्काल प्रभाव से उनको फोन करके सूचित किया जा सकता है, वो यथासंभव जैसी भी व्यवस्था होगी तुरंत मंदिर के लिए बनाए। पूरे देश भर में इस वक्त ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं जिसमें हिंदू देवी देवताओं पर अभद्र टिप्पणी, अनैतिक पोस्टर और सोशल मीडिया पर भी आपत्तिजनक टिप्पणी की जा रही है। इसे देखते हुए ऐसे ठोस कदम उठाने की जरूरत है जिससे इस तरह की घटनाओं को अंजाम देने वालों पर नकेल कसी जा सके। ग्रैंड एशिया न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट।